एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। दरअसल लाल सिग्नल के बावजूद भी पटना जा रही ट्रेन नहीं रुकी, जिस कारण स्टेशन पर अफरा तफरी मच गया। और इस वीडियो अपडेट में जानेंगे पूरी खबर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। दरअसल यह घटना बिहार के सोमवार के दिन की बताई जा रही है, जहाँ पर एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहाँ पर एक एक्सप्रेस ट्रेन लाल सिग्नल को पार करते हुए गुजर गई, जबकि उसी लाइन पर आगे दूसरी ट्रेन भी थी। यह घटना पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेलमंडल के करौटा रेलवे स्टेशन के समीप हुई है। संयोग अच्छा रहा कि ट्रेन को या किसी अन्य को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस मामले में रेलवे ने सख्त एक्शन लिया है और ट्रेन के दोनों लोको पायलट को तत्काल प्रभावित से निलंबित कर दिया है। तकनीकी कारणों से आउटर सिग्नल पर ही इस ट्रेन को रुकना था, लेकिन ट्रेन को मिली जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन प्रबंधक की ओर से तकनीकी कारणों से करौटा रेलवे स्टेशन आउटर सिग्नल को लाल कर कटिहार से आ रही ट्रेन 15713 कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रुकने का इशारा किया गया था, परंतु लोको पायलट की लापरवाही के कारण ट्रेन लाल सिग्नल को पार कर गई। इसके बावजूद वहाँ पर पैसेंजरों का बुरा हाल देखने को मिला और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सिग्नल पार करने के बाद इस घटना के बाद पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं और बताया जाता है कि रेलवे में इस तरह की चूक को काफ़ी गंभीर माना जाता है। ऐसे मामले में लोको पायलट को ट्रेन के परिचालन से अलग भी किया जा सकता है, और यही कुछ हुआ भी। DRM ने पूरे घटनाक्रम की जाँच करने का आदेश दिया है और इस संबंध में पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि घटना में फिलहाल ट्रेन के चालक को निलंबित कर मंडल रेल प्रबंधक इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मंडल अधिकारी की ओर से बताया गया कि लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को सिग्नल क्रॉस करने के संबंध में इसे तत्काल निलंबित कर दिया गया है, और इस लाइन पर मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 05527 अप में कमला गंगा सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन करौटा रेलवे स्टेशन से खुली थी। ट्रेन खुलने के तुरंत बाद ट्रेन नंबर 15713 अप कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। अप लाइन पर एक ही जगह पर दो ट्रेन एक साथ, हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी खबर है। इस वीडियो को आगे शेयर करें और आने वाली अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।